अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतरला शारी और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं सब्ज़ियों की काश्त उनकी पैदावार के हवाले से, ख़ास तौर पर सरायकी व सेब में जो सब्ज़ियां अगर हम इस वक्त बात करें आलू की और गोभी की और मुख्तलिफ और सब्ज़ियों की, तो एक एकड़ पे कितना खर्च आता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है और सबसे अच्छी पैदावार आप कैसे ले सकते हैं। एक एकड़ अगर आपने आलू लगाना है, अगर आपने गोभी लगानी है या कोई भी सब्ज़ी लगानी है, तो उसके लिए ज़मीन की तैयारी पर कितनी खादें कौन कौन सी डालनी है और फिर कितने पानी लगाने हैं, स्प्रे कौन सा करना है, एक एकड़ पे आपका कितना खर्च होता है और कितनी आमदनी जो है आपको हासिल होती है, साथ साथ ये हमारी सब्ज़ियाँ हमारी लेबर जो है उसको कितना सपोर्ट करती हैं और दही इलाकों में ख़ास तौर पर हमारी जो लेबर हैं, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें, उनको कितना रोज़गार यहाँ से मिलता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इस वक्त हम पहुँचे हैं मुल्तान के करीबी इलाके मखदूम रशीद में और यहाँ से सब्ज़ियों की सूरत हाल पर आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आज के प्रोग्राम में जो है हम बात करेंगे, एक प्रोग्रेसिव ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं जो आलू समेत दीगर सब्ज़ियाँ, गोभी जो है वो भी, आलू भी और मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ जो हैं वो काश करते हैं। सिर्फ काश नहीं करते, बड़े प्रोग्रेसिव अंदाज से काश करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों से जो काश्त हो रही हैं उनके मुकाबले में अच्छी पैदावार हासिल करते हैं। ये जी मखदूम रशीद का इलाका है, मुल्तान से जब आप मखदूम रशीद की तरफ जाते हैं तो चौधरी हनीफ अराई एग्रीकल्चर फार्म है, वेजिटेबल फार्म है, उसके ऊपर अभी हम पहुँचे हैं और चौधरी सरवर नदीम साहब इस वक्त प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जी बात कर रहे हैं सब्ज़ियों के हवाले से, ख़ास तौर पर आलू के हवाले से। तो इतना फ्रेश आलू मैंने तो पहली दफ़ा देखा है कि बहुत ही फ्रेश है और यहाँ से अभी सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ये फरमाइएगा कितने एकड़ पे आलू और सब्ज़ियाँ काश्त कर रहे हैं। तकरीबन 100 एकड़ पे दशारी साहब हमारा आलू है और गोभी तकरीबन 50 एकड़ पे आती है और बाकी मुख्तलिफ सब्ज़ियात हैं, उसमें गाजर है, मूली है। इस वक्त हमारा ये जो है ये तकरीबन 100 एकड़ पे आलू है। अच्छा, 60 एकड़ हमारा यहाँ पे है, 40 एकड़ हमारा एक दूसरा फार्म है वहाँ पे है। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त कौन कौन सी वैरायटीज़ आपके पास काश्त हुई हुई हैं और बीज कहाँ से ले रहे हैं भाई जान? ये सारा जो ना बीज तो इम्पोर्ट करती है, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं वो, ये हमारे पास एस्ट्रस है, करोंडा है, ये आजकल ये जो अब पटाई हो रही है ये करोंडा एक वैरायटी है, उसमें हमने इसके अलावा एक इसमें है, इसमें एक और दो तीन वैरायटी और हैं जो हमने लगाई हैं, नई वैरायटी है। अब जो मौके पे चल रही हैं वो हैं हमारी जनाब जो ना एस्ट्रस और करोंडा। अच्छा, ये जो आपके हाथ में आलू है ये जनाब जो ना करोंडा है, ये हाँ जी जी जी, ये जनाब हमने तकरीबन ये 80 दिन का है सर, ये इसकी एज है इसकी 80 दिन डे का है ये। अच्छा, तो ये 100 डे का ज़रूरी है कि 100 डे, हाँ 100 दिन में होना चाहिए, उसकी एवरेज और उसकी जनाब क्वालिटी में फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो है ये 80 दिन का है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है ना जी बहुत अच्छी हमारी एवरेज आ रही है, बहुत अच्छी एवरेज आ रही है। अच्छा सर, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और ये अपने नाज़रीन को बता दें कि जब आप ज़मीन की तैयारी करते हैं जी सर, तैयारी कैसे होती है, कौन कौन सी खादें कितनी कितनी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन को कैसे तैयार करते हैं? इसमें ज़मीन जो ना पहले हम एक दो इसकी जो ना रमणीय करते हैं, उसमें जब ये फिर वतर पर आता है फिर इसको हम तैयार करते हैं। जब ज़मीन तैयार हो जाती है तकरीबन 5-5, 6-6 हल पे जाके तैयार होती है, उसके बाद हमने पहले इसमें 3 बोरी DAP डालते हैं पर एकड़, 2 बोरी पोटाश देते हैं और 1 बोरी होमिक एसिड देते हैं। ये इसमें इसकी तैयारी में ज़मीन में हम डाल देते हैं, फिर हमारे ये मशीनें हैं उनके साथ हम ये जो ना सीड इसमें जो ना ये खेले निकालते हैं उसके साथ ये सीड लगा देते हैं। अच्छा, फिर उसमें उसके बाद ऊपर जो ना हम पहले पानी पर 1 बोरी पर एकड़ यूरिया देते हैं और पोटाश देते हैं, फिर इसी तरह इस पर तकरीबन 4 बोरी हमने स्टेप बाय स्टेप यूरिया देनी होती है और फिर इसमें तकरीबन 3 बोरी हमने पोटाश इसकी तैयारी तक देते हैं। अच्छा, तो इसमें जो ना मौसमी हालात के मुताबिक मुख्तलफ इसमें स्प्रे होते हैं,
और अगर कोहरे का खतरा हो तो फिर हम इसको शाम में रात में जनाब जब जिस दिन कोहरे का खतरा होता है उस दिन हम इसको हल्का हल्का पानी लगा देते हैं, हल्का हल्का, हाँ जी, ताकि कोहरे का असर ज़ायल हो जाए, इसमें असर न पड़े। एक एकड़ में बीज कितना इस्तेमाल करते हैं वजन के हिसाब से? एक एकड़ में हमारा जो सीड की जो वो रेशो है वो तकरीबन 65 और 70 केजी की एक जनाब हमारी बोरी होती है, जिसे हम जाली बोलते हैं, स्टोर में स्टोर करते हैं, वो जब हम निकलवाते हैं वो हमने ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में हमने स्टोर से निकलवाया और उसमें ये 28 से 30 जाली जो थी 65 और 70 एक किलो की वो हमने एक एकड़ में हम लगाते हैं। अच्छा, हाँ, और ज़्यादा अगर बारीक सीड है तो वो कम अज कम जो है ना जी 25 जो जाली है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 जाली में ये हमारा एक एकड़ में सीड में पूरा हो जाता है। तो जब हम इसको जो ना इसको निकालते हैं ज़मीन से, हमने इसकी पटाई शुरू करते हैं, फिर ये उसमें जनाब जो है ना तकरीबन जो है ये 200 से 300 बैग तक 60 केजी का बैग जो अभी इसकी प्रोडक्शन पे भी आते हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले काश जो आप बीज का बता रहे हैं, जी जी, क्योंकि आपसे पहले मेरी फोन पे बात हो रही थी, आपने कुछ वीडियोस भी भेजी थी, जी जी, जो आपने बीज मंगाया उसकी कीमत क्या है और टोटल उसकी जो है कितना खर्च हो जाता है एक एकड़ पे? ये जो सीड है ये हमने क्रेट मंगवाते हैं जो मुख्तलिफ हॉलैंड का भी, हॉलैंड का ये क्रेट आते हैं हॉलैंड से, ये 40 दिन सफर पे ही रहता है बीज, उस पर बहरी जहाज पे आता है, उसके बाद जब ये हमारे पास क्रेट आते हैं वो हमने 16 से 18 क्रेट जो ना पर एकड़ में इसको काट के, जैसे ये आपके पास है इस तरह इससे छोटे साइज में वो होता है, उसमें 3-3, 4-4 हम इसके टुकड़े करते हैं, फिर इसको हम जो ना वो लगाते हैं। ये हमने 3 साल पहले मंगवाया था, अब ये 3 साल हो गए हमें प्रोडक्शन दे रहे हैं, ये 3-4 साल और जनाब जो ना ये चलेगा। वो तकरीबन आज उसका रेट है, उस वक्त तो हमने 8,000 का क्रेट जो ना 50 केजी का क्रेट होता है वो उसे क्रेट बोलते हैं, जो जिस चीज़ में पैकिंग में आता है उसे एक क्रेट बोलते हैं, 50 केजी का वो है, उसमें वो तकरीबन 15 से 16 क्रेट 18 क्रेट पर एकड़ में लगते हैं, उस वक्त 8,000 का था, आजकल वो है 15-16,000 का पर क्रेट। पर क्रेट, हाँ जी, उसमें फिर वो जो है ना उससे आगे जो सीड बनता है फिर वो बहुत जितना आपने चाहना है उसने बना ले, इसमें जो है ना 35 से 45-50 सेंटी का वो आप निकाल सकते हैं बीज। अच्छा, बीज भी आप इसी में से फिर अगली दफ़ा जो है वो, हाँ जी, इसी में से निकालेंगे? जी जी, इसमें से ये अभी हमने जो ना ये हर साल हम इसी में से सीड निकाल लेते हैं, ये जो सैज है हमारा जनाब जो है ना सीड का ये सैज जो है ये सीड में है, ये सारा ये बहुत अच्छा सीड है। अच्छा। तो अगर ये आप निकालते हैं तो ये जनाब जो है ना इसको स्टोर रखेंगे, फिर आप इसको अक्टूबर के पहले हफ्ते में निकलवा लेंगे स्टोर से, फिर इंशाल्लाह ये जनाब जो है आप इसको काश कर देंगे, फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ये जनाब इसकी प्रोडक्शन है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि आलू का काश्तकार या सब्ज़ी का काश्तकार सबसे ज़्यादा मसला कहाँ पर आता है, किस वक्त परेशानी बनती है? परेशानी बनती है मार्केटिंग के वक्त जनाब, अगर मार्केट जो ना रेट कम है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले पिछले से पिछले साल उसमें बहुत ज़्यादा लॉस में गया, ये जो अब प्रॉफिट में है, पिछला साल भी ठीक था उससे पिछले साल, क्योंकि होता ये है कि हमारे यहाँ कोई जो ना बैलेंस है नहीं, हुकूमत जिम्मेवारी लेती नहीं है वो जनाब जो ना, अब हालांकि ये हमारा जो आलू है ये जनाब बहुत अच्छा बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये रूस डिमांड करता है, ये आज़ाद जो रियासतें हुई हैं अफ़गानिस्तान है ये सारे डिमांड करते हैं, मगर ये तवज्जो नहीं देता कोई ना पे इसको जो है ना जी अपना जिम्मेवारी लेता है, ये ज़िम्मेदार के उस पर है, अगर फसल कम है तो रेट ठीक देता है जी, अगर फसल ज़्यादा हो गई तो उसमें फिर ये जनाब जो है ना अपना जो है लॉस तो नहीं करता, लॉस तो होता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ना अपना जितनी भी ये खाने की चीज़ें होती हैं उसमें नुकसान तो का तो अंदेशा है ही नहीं, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है ना ये अपना बराबरी कर जाता है, नुकसान नहीं करता। अच्छा, इसके अगर हम सर स्प्रे की और बीमारियों की बात करें, हाँ जी, तो आलू को और गोभी को, क्योंकि आप गोभी भी काश्त करते हैं, जी, कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं? इसमें आलू को जनाब जो ना अगेता जुलसाओ आता है एक, अच्छा, उसमें ये जो पत्ते हैं शुरू में ही पत्ते जो है ना अपना सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए हमने मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं तो वो जनाब स्प्रे करते हैं, उससे ये ठीक हो जाता है। फिर इसमें एक दफ़ा उसमें जनाब जो है ना अपना तेले का थोड़ा बहुत आता है, उसमें
तेले की दवाई डाल देते हैं, स्प्रे करा देते हैं। इसी तरह गोभियों पे है, गोभी पे ज़्यादा तेला अटैक करता है। अगर मौसमी हालात ख़राब हो जाएँ तो उसमें जनाब मुख्तलिफ बीमारियाँ उस पर अटैक होती हैं, तो मुख्तलिफ बीमारियों का ही फिर इलाज हो जाता है जी। अच्छा सरवर भाई, ये बताइएगा कि आपकी माशाल्लाह ज़मीन जो है वो बड़ी मेरा है यहाँ पे हम देखें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिनके पास कुछ रेतली ज़मीनें हैं, हाँ जी, आपको लगता है कि वहाँ पर भी ये सब्जियाँ जो है वो काश्त हो सकती हैं? और थोड़ा ये भी बताइएगा कि हमारे जो लोग नए सब्जी को काश्त करना चाह रहे हैं, अगर उनके पास इस तरह की पक्की और अच्छी जमीन है, हाँ जी, एक एकड़ पे मुकम्मल खर्च कितना है और आमदनी कितनी है? गोभी से स्टार्ट लेते हैं। गोभी पे जनाब जो है ना जी, हम उसमें स्टेप बाय स्टेप तीन फसलें लगाते हैं। एक हमने तो जो है ना अपना ये लगानी होती है जुलाई अगस्त में, तो वो हमने जुलाई में जनाब पनीरी तैयार की, अगस्त में हमने शिफ्ट की, और वो जो ना अक्टूबर नवंबर में मार्केटिंग करती है, मार्केट में आ जाती है। फिर हम उससे जनाब जो ना सितंबर में एक सीड जो ना बिजाई करते हैं, पनीरी तैयार करते हैं, तो वो अक्टूबर में लगाते हैं, तो वो अपना इसमें आ जाती है दिसंबर जनवरी में। फिर एक आखिरी स्टेप जो है वो दिसंबर में हम तैयार करते हैं, जो आजकल हमारी गोभी की जो ना जी काश्त हुई हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्च अप्रैल में मार्केट में आएगी। अच्छा, एक काश्त हुई हुई है और एक अभी हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि वो उसकी पटाई भी हुई है। हाँ जी, ये जो अब आपने देखी है ना, ये दूसरे स्टेप वाली थी। इससे पहला स्टेप जो था वो हमने जनाब अक्टूबर नवंबर में जनाब वो जो ना अपना कटाई हो गई है वो, तो ये जो दूसरी उसमें स्टेप में है ये आजकल कटाई हो रही है। जो तीसरे स्टेप में है वो उसमें फरवरी और मार्च अप्रैल में आएगी। आलू का सही वक्त काश्त कौन सा है? ये सर अक्टूबर सही वक्त है हमारे मौसम के हिसाब से, हमारे इलाके की आबो हवा के लिहाज से। अक्टूबर की जो है ना जी, आप पहले हफ्ते से शुरू करें और जनाब जो है ना तीसरे हफ्ते तक, मकसद के 5 अक्टूबर से शुरू करके आप 20-25 अक्टूबर तक बहुत अच्छा मौसम है उसमें जो है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ फिर इसमें आ जाती हैं जनाब, क्वालिटीज़ के हिसाब से है, फिर इसमें वराइटीज आ जाती हैं। ये जो है ये अब हमने पटाई शुरू कराई है 80 डे में, 80 दिन की है ये, तो ये फिर जब 100 दिन पे जाएगी तो इसकी जो है ना अपना ग्रोथ बड़ी हो जाएगी और फिर ये जनाब जो है ना एवरेज भी बढ़ जाएगी। अब अगर ये 250 बैग हमें देता है 60 kg का, तो ये फिर ये 300 बैग पे चला जाएगा। अच्छा, हाँ जी। दूसरी वैरायटियाँ जो और हैं वो इसी तरह जनाब जो ना अपना वो कोई 120 दिन की वैरायटी है, कोई 110 दिन की वैरायटी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब जो है ना ये चलता रहेगा। एक स्टेप में करते हैं जैसे गोभी को, 3 स्टेप में करते हैं। हाँ जी, ये एक स्टेप में ही होगा। काश्त सारी ही अक्टूबर में होगी, आलू की अक्टूबर में, और जनाब अक्टूबर के एंड तक काश्त होती रहती है। उसमें जनाब जो है ना ये बहारिया एक फसल होती है जिसमें हम सिर्फ सीड लगाते हैं, वो दिसंबर की 15 और 20 को हमने 25 को वो काश्त करनी होती है, जो अभी ये हमारे पास इधर है सीड में लगा हुआ। ये बता दे, मेरा सवाल वो वहीं रह गया कि खर्च कितना है और आमदनी कितनी है इसमें? अगर तो इंसान जो है ना ये कोशिश करता है कि पहले दफ़ा तो वो क्रेट लेगा या किसी जिम्मेदार से, जैसे अब हमसे वो अगर कोई बंदा सीड खरीदता है तो हम उसे जो ना तकरीबन 1500-1600 का बैग देंगे, जो मार्केट का रेट चल रहा है, जो मार्केट में हम भेज रहे हैं, वो उसमें जो है ना जी 28 से 30 बैग, मकसद के तकरीबन को 60,000 पर एकड़ उसका खर्चे में जनाब आलू जो है ना काश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सरवर नदीम साहब, जो बात कर रहे थे यहाँ पर। थोड़ा सा वक्त हुआ है ब्रेक का और सरवर भाई ने कुछ आड़ती जो हैं वो भी हमने यहाँ पर मधु किए हैं, कुछ काश्तकार भी मधु किए हैं, और चलते हैं ज़रा उनके साथ चलकर गपशप करते हैं और उसके बाद महकमा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्या कर रहा है। सरवर भाई हमारे साथ ही रहेंगे, ज़रा चल के बाकी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, अभी बात कर रहे थे चौधरी सरवर नदीम साहब से और इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी हनीफ अराई फार्म पे, और ये आलू के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे, आड़ती साहबान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमने इनको मधु किया था यहाँ पर, और कुछ काश्तकार जो हैं वो भी मौजूद हैं। अपना ना भी दसेसो ए दसेसो के ई वेले आलू दी क्या सूरत हाल चलती पिए, सब्जियां दी क्या सूरत हाल चलती पिए, और क्यों मंदा कहीं वेले आलू बिल्कुल तले वन ठांदे, कहीं वेले 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो मिलता खड़ा होंगे। एक जेले साड़ा आलू चलते उंगले साड़ा आलू सस्ता थी बंदे, जेले काबल द आलू चलते मनसेरे द आलू चलते उंगले बहुत रेट होंगे,
लिहाजा साको भी कोई रिलीफ दी इस किस्म मंदा जल्द साड़ी प्रोडक्शन शुरू थी उल्ले मंदा थी वे जेना ज्यादा थी वी है जल्द ऊंडो आलू आने उल्ले रेट अच्छा होंगे लिहाजा गोरमेंट ज्यादा स्टोर करे कोई साकू रिलीफ देवेन साढ़े भी रेट के उत्ते माल के हूँ सब्जी है शलजम है गोभी है डार रुपये 20 रुपये थड़ी च विकती पई है ना उधर साकू क्या मिलते है सख्त कुछ ही नहीं मिलता वो सारा किराया खर्चा थी दे बाकी सब कुछ नहीं मिलता पे ऐसा नुकसान है जबने अक्सर वो तो काश्तकार का नुकसान थिया ना तो उस तो हर पास फायदे चो के तारे कोल किबला साडा और इने तो कोई वजूद है फर्क कोई नहीं ये भी हरी है ना साकू भी ही मिट्टी नाल मोहब्बत है जिमें इन्हें दी पैदावार अच्छी थी रेट अच्छा लगते असा भी सुखे थी वे लिहाजा जेडे अस चार अठा ने खर्च करेनी है ये करेने अस करेने साड़ी इक्का गल है साढ़ा कोई भी अमजाज कोई नहीं अगर ये सुखे हैं तो अस सुखे थी वे जल्द इन्ना कुछ सब्जी रेट नहीं लगता जनाब असं परेशान थी ने ये भी छोटे परेशान थी लामाला गल सारे को पैसे नहीं आते जल्द सबको नुकसान थी सब्जी अस खादा महंगा गिनने हैं दवाइया महंगी गिनते हैं सबको महंगी मिलते हैं जी 1000 रुपये की शायद सबको 1500 की 1200 की उधारते चो गिनते हैं लिहाजा मेहरबानी की वजे तो साढ़े तो कोई गोरमेंट के तरफ कोई रहमदिली की कोई रहमदिली की वजे अच्छा सही तुसा ए फरमेसो जो आड़तियां दी वेले क्या पोजीशन है अगर असा सब्जी मंडी दी गाल करूं ता तुसा सब्जी मंडी दे विच सब्जियां दी क्या सूरत हाल हुंदी है असा आम काश्तकार गिला करेंदे कि साकू आड़ती अपनी मर्जी दा रेट लेंदे और आड़ती दी मर्जी दे उते हुंदे कि ओ क्या उंदा रेट विचेंदा पे क्या हालात है ए कोई आड़ती अपने खावण जहर नहीं पेंदा आई समझ ते ओ ज्यादा ज्यादा अच्छे रेट ते माल कढेंदे जितना ज्यादा रेट विकसी ओ आड़ती दा भी कमीशन बणदे हुंदे च आई समझ ए तां मंदा हूं वेले थींदे जेरे टाइम प्रोडक्शन ज्यादा थी वेंदी है आम इलाके दा माल शुरू थी वेंदे रेंज कोल ज्यादा माल आवण पै वेंदे ओ वल मंदे ते आ वेंदे अगर माल दी शॉर्टिंग आउंदी है ओ अच्छा रेट दे विक वेंदे ते एक वैरायटी दा भी फर्क होंदे कुंदे रेट चलदे पे होंदे जिवें रेट लग्या पे होंदे कोई वैरायटी नहीं होंदी वल सारा इको जी आउंदे जी वेले माल मंदा थी वेंदे उत्थे अच्छी ते अच्छी वैरायटी भी पेट वेंदी है मकामी जिम्मेदार को केड़े वेले फायदा थींदे सिर्फ आलू नहीं असर अर्ली फसल ते अर्ली फसल ते मकामी जिम्मेदार को फायदा थींदे जिवें उंदी अर्ली फसल तैयार थी वेंदी है ओ वेले जनाब शॉर्टिंग आउंदी है मंडी च आंदे को अच्छा मुनाफा मिल वेंदे अच्छा लेकिन सारी अर्ली फसल दे नाल सिंध दी फसल ता उवेले सारे कने भी पहले नहीं आवेंदी जी हां सिंध दी फसल आवेंदी है हुन जिवें हुन अगो सीजन आंदा पे टमाटर दा हुनी टाइम सिंध आंदा पे अच्छा पैसा है हो सकदा सब को भी चांस मिल वंजे शॉर्टिंग थी वेंदी है ते सारा पंजाब भी कमा सकदे ना अगर प्रोडक्शन ज्यादा होसी पिछले साल भी असा नुकसान च गया से एक ता कोरोना दी वजह तो गया से बिया माल ज्यादा थीवण दी वजह ता सती गया से ठीक है अच्छा कुछ लोग ए भी आदन के जेरे आड़ती होंदे वो एडवांस फसलां खेन गिंदे उन्हां को खाद दे देन चीज़ां दे देन जिम्मेदारां को वल उन्हां कने अपनी मर्जी दे रेट दे मुताबिक सब्जियां सारियां वो गिंदे और वो बाउंड होंदे उन्हां को सब नहीं सर सही ये सारा को है आरती ये सारे मियां जा साहब बैठे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी आरती हैं और पूरे अपने वसे विच मशहूर हैं ये बहुत रहमदिल आदमी हैं आई समझ फार्मर नाल भी चलते हैं चौधरी साहब और उन्हां दा भी माल इन्हां कोल वेंदा पे अगर इंज गल हो तो चौधरी साहब भी तो आखिया भी इंज काम करें दे कि एडवांस गिन गिनते नहीं तो उन्दे विच लू लंबरी काम करें ये आरती नहीं करेंदा ये फड़िए हुसैन जेरे शाम का माल गिनते सवेरे वो कर सकते हैं बेईमानी आरती नहीं कर सकता बिल्कुल ही मैं जी बच्चा ये पास सारे काश्तकार बैठे हैं अच्छा सर तुसा अपना नाम भी दसेसो ये दसेसो कि तुसा सिर्फ सब्जियां काश्त करें वे या बागात या वड्डियां जेरे फसल हैं उन्हां को भी काश्त करें वे सब्जियां दे मुकाबले च वड्डियां क्रॉप्स को देखूं कपाह कणक मकई चावल उन्हां दी निस्बत सब्जियां दी क्या सूरत हाल है सब्जियां सर सब तो बेहतर वैनियां पई हैं आम फसल को सारे इलाके बिल्कुल रिवाज के हैं नहीं सब्जियां दा जरन दे चौधरी सरवर साहब सारे इलाके च हैं ते तदां दा रिवाज पै गई है ते बाकी जिहड़ी फसलें ना वो बिल्कुल मंदा वैंदा भी है उन्हां दा कोई हाल कहनी उन्हां दा कोई हाल कहनी ठीक है जी हां ते सब्जियां इत्थां तक लगदे कि ठीक हैं कामयाब हैं पानी दे हवाले नाल गाल करूं खास तौर ते फर्टिलाइजर भी बहुत महंगा थी गया हुण यूरिया कितना गई खड़ी है वो भी काश्तकार भी पहुंच कने दूर है तवल कुछ 4% बचते हैं जी अब सब्जियां बेहतर वेनियां भाई सही जमीन दे लिहाज नाल ही काश्तकारी दे लिहाज नाल ही सब्जी बेहतर वेनी पई अच्छा जी हां भैया फसलां दा क्या हाल है भैया फसलां सर तबाही बिल्कुल भाई फसल दा कोई खरीदारी कह नहीं धान जाई तई साल कोई खरीदार कह नहीं कपाह ही ता सारी तबाह थी गई ये हुन गंदम दी फसल आंदी पई गंदम भी पिछले दफा 1400 ते विकी ता 2800 ते मिलदी रह गई हुन जी हुन तक 2800 ते 1400 ते विकी 2800 ते मिलदी रह गई अच्छा चाचा सही क्या तोला शुगल मेला है
क्या हालात इन काश्तकार दे ते सब्जियां क्या क्या काश्त करेंगे? असं चौधरी साहब जो आए ने फिर इन्हें वेख के असं भी इस पास आए, ठीक कम हो रहा है। अगर अगे कपाह काश्त करते सी। अच्छा क्या क्या चीज़ा काश्त करेंगे पे हो तुसा? पहले कपाह काश्त करते सी, गंदम काश्त करने साढ़े इलाके दो ही फसल होती सी। हूँ असी आस्ता आस्ता सब्जियां ला रहे हैं। केड़ी केड़ी सब्जी काश्त करेंगे पे हो? ये आलू गोभी। अच्छा कोई तो आपको लगता है कि इंदे कुछ क्योंकि हूँ जितनी महंगाई थी वेंदी है इनपुट्स के हवाले नाल तुहाडे डीजल दे रेट बदले वेंदे ने तुहाडे बिजली दे जिहड़े हैं वो रेट रीसेंटली हूँ ही तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट जिहड़ा है वधाए ने इवें ही खादा दे रेट बदले पेन तो मुश्किल ज़्यादा थी पे जी बचत कोई नज़र फिलहाल तो आती नहीं पी तो जिम्मेदार फिलहाल नुकसान है। अगर रेट वेख्या जाए तो फिर तो इस टाइम हूँ आलू का कोई रेट नहीं, गोभी का भी इवें ही, मटर थोड़ा जहा तेज़ है। तुसा अपना नाम भी दसो तो क्या हालात है नहीं वेले सब्जी के काश्तकार दे ते ओवरऑल काश्तकारी दे खर्चा वधे तो क्या मुनाफा भी वधे या वो उथे ही खड़े? पैदावार दे लिहाज नाल अगर पैदावार प्रोडक्शन साड़ी ज़्यादा होएगी तो साडा मुनाफा वध सकदा। बिल्कुल सही। अगर साड़ी पैदावार ज़्यादा नहीं आउंदी तो साडे मुनाफे की शरह कटेगी। बिल्कुल सही। तो साडे मुल्क दे सब तो ज़्यादा नुक्स भी इस गल दा ही है कि हर आदमी पूरी प्रोडक्शन उहदी नहीं लै रहा। बिल्कुल सही। असा रेट का रोना धोना तो जरूर लाने वो असल जो असा कम करना असा भी तो नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अगर असा वो भी करिए तो फिर हो सकता है कि साड़ी पैदावार अच्छी होना साड़ा को नुकसान कट जाओ। बिल्कुल सही। बाकी ये मार्केट है ये अप भी हो सकती है डाउन भी है ये तो कोई फिक्स नहीं है। ये तो चलती पे उसी ना कि डिमांड एंड सप्लाई का जरा रूल है ज़्यादा पैदावार हो गई ज़्यादा मंडी के समान आ गया तो सस्ता ठीक है। दूसरा ये भी साड़ी क्वालिटी से भी ਉਹਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸਾਂ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਥੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ना ही गवर्नमेंट का रेट तो कोई कंट्रोल है। रेट का कोई कंट्रोल कोई नहीं। अच्छा जी अभी हमारे आड़तियों ने भी बात की, काश्तकारों ने भी बात की। सरवर भाई आप तकरीबन 100 एकड़ की आपकी काश्तकारी है, 100 एकड़ से भी ज़ायद की है, लेकिन इस वक्त जो फर्टिलाइज़र के हाल हुआ हुआ है, जो बिजली का रेट के हाल हुआ हुआ है, जो आपके डीजल का हाल हुआ हुआ है, क्या सूरत हाल है? पिछले 2-3 सालों में देखें एक एकड़ पर जो अखराजात थे और जो प्रॉफिट था और मौजूदा अखराजात और प्रॉफिट को देखें तो कितना फ़र्क को नज़र आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ये कोई बंदा जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। हुकूमती सतह पे हमें जो है ना कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। अब दवाइयों के हिसाब से देख लें, खाद के हिसाब से देख लें, उसमें 1200 रुपए पे पिछली गवर्नमेंट 1200 का यूरिया, 2400 का की बैग DAP का और 1800 का नेट्रो का छोड़ के गई है। तकरीबन 65-70 रुपए लीटर डीजल था, अब 115-120 रुपए डीजल है और 4500 रुपए की आज जो है ना DAP की बोरी है 4500 की। हाँ जी 4500 की। उसमें फिर क्वालिटी का जो है ना जी कोई अमल दखल नहीं है, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि वो 2 नंबर है, को 1 नंबर है। फिर दूसरा यूरिया जो है हमें 2200 का मिल रहा है जिसकी वो भी क्वालिटी में नहीं है। तीसरा जनाब जो है ना नेट्रो जो ये बेसिक जो है ना ज़िम्मेदार के लिए ये जो खादे हैं ये उसकी फसल की ये बेस है, इसके अलावा जो है ना जी फसल अच्छी नहीं है। नेट्रो हमें 3200 की है जो 1800 की थी और रेट जो थे वो बिजली के जो है ना जी वो अब आज कल भी इतना ये सर्दी में भी बिजली की लोड शेडिंग है, ज़िम्मेदार का जो ना जो है जी बहुत बुरा हाल है। सब्जियात हम जो लगाते हैं उसमें हम अल्लाह तवक्कल करते हैं, हमें ये नहीं है कि जनाब हमने इतनी मेहनत की है ये हमें इसका जो है ना अपना सही रिजल्ट तो मिलता है, मगर उसमें सही हमें उसमें रेट नहीं मिलता। क्योंकि दूसरे मुल्कों में जहाँ पे भी आप लशारी साहब देखें कि जनाब जो है ना गवर्नमेंट उन्हें एड जो है ना देती है, गवर्नमेंट उन्हें
जनाब जो ना स्टोर अगर करनी है फसलें स्टोर करेंगी उसमें हमें हमारे यहाँ पे जनाब स्टोर करने के जो मामलात हैं वो प्राइवेट उस पर हैं, जो ना स्टोरेज जो है वो जनाब सर्दखाने जितने भी हैं ये सारे ही कोल्ड स्टोर वाले ये अपनी मनमानी करते हैं। हालांकि यहाँ तक है कि जनाब जो ना एक तो रेट नहीं मिलता, एक फसल जो है ना उसका जिम्मेवार कोई नहीं है, दूसरा उसमें जनाब जो है ना उसका ख़रीदार जो दूसरे मुल्कों की मंडियाँ हैं ये जितनी भी रियासतें आज़ाद हुई हैं रूस से उनमें हमारे आलू हमारी जो दूसरी सब्जियात हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसमें ज़िम्मेदार तो नहीं भेज सकता ना जी। बिल्कुल सही। तो हमें जो ना उस पर डिपेंड करते हैं हम आढ़ती पे, आढ़ती के ज़िम्मेदार के पास बाज़ दफ़ा पैसे नहीं होते, वो आढ़ती से जनाब जो ना उधार लेते हैं, फिर आढ़ती हजरात जो है ना जी वो अल्हम्दुलिल्लाह तामन करते हैं। पूरे जो बात आपने जो ना थोड़ी देर पहले कही कि आढ़ती हजरात जो है ना लोग कहते हैं कि जी वो खुद ही जो ना माल, बहुत से आढ़ती बहुत अच्छे हैं, बहुत से आढ़ती जो है ज़िम्मेदार को जनाब जो है ना जी वो मजबूर देख के उससे जो ना जब पैसे उसको दिए होते हैं तो वो खुद माल ख़रीदना शुरू कर देते हैं, वो खुद ही मार्केटिंग करते हैं, खुद ही बेचते हैं आगे जाके। तो ये जो बहुत से अच्छे, अब हम मुल्तान मंडी में हम माल नहीं देते, मुल्तान मंडी में हमारा हमें हिसाब किताब सही नहीं मिलता, हम मुजफ़्फ़रगढ़ मंडी में भेजते हैं, वहाँ हमारा आदमी अगर नहीं भी जाता तो इजाज़ कुरैशी साहब के पास माल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ये कमीशन के अलावा कभी ये नहीं हुआ कि हमारे साथ दो नंबरी की हो। बिल्कुल ऐसे जी, जैसे चौधरी सरवर नदीम साहब बात कर रहे हैं, हमारे आढ़ती भाइयों ने बात की, हमारे काश्तकार भाइयों ने बात की कि हुकूमत के लिए ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन लोगों के साथ सपोर्ट करे। ये वो तबका है जो हमारे मुल्क की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू है उसके लिए मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारे तकरीबन 22 करोड़ लोगों को खुराक जो है वो फराहम कर रहे हैं, खुराक ही फराहम नहीं कर रहे। जब हम बात करते हैं, अभी हम आलू के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, तो आलू की सब्ज़ियों की काश्त के वक्त भी, बर्दाश्त के वक्त भी, बीमारियों से बचाव के वक्त भी, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको करोड़ों रुपए का रोज़गार इन्हीं ज़मीनों से मिलता है, अपने देहाती इलाकों से ही मिल जाता है। तो खुदारा हमारे काश्तकारों को, हमारे काश्तकारी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि ना सिर्फ ये कि मुल्क में खुराक की जो है वो वाफिर मकदार मौजूद हो, हम हर चीज़ में खुद कफील हों, एक्सपोर्ट कर रहे हों, बल्कि हमारा जो मकामी लोग हैं जो कहीं बाहर नौकरियां नहीं कर सकते, हमारी जो ख़वातीन हैं, माएँ बहनें हैं, तो वो अपने देहातों के अंदर, अपने गाँव के अंदर अच्छा और बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें। तो यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा महकमा फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है वो क्या कर रहा है उनसे चल के बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, अभी हमने काश्तकारों से भी बात की, जो आढ़ती हजरात हैं उनसे भी बात की कि किस किस तरह सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस जो है वो हमने आपको बताया। अभी ज़रा बात करेंगे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो डिपार्टमेंट है साउथ पंजाब का और ख़ास तौर पर मुल्तान में, वो क्या कर रहे हैं हमारे काश्तकारों के लिए, किस तरह की आगाही या एडवाइजरी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जमील अहमद गौरी साहब, डिप्टी डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल मुल्तान, और पूरे तीनों डिविजन्स को भी ये जो है वो देख रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के हवाले से। जमील भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अगर हम बात करते हैं मुल्तान में सब्ज़ियों की, सबसे पहले आलू की अगर हम बात कर लें, मुल्तान में, साउथ पंजाब में कितना पोटेंशियल आलू की काश्त का मौजूद है, मुल्तान में कितनी ज़रखेज़ी है आलू की काश्त के लिए, और कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है? डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर शोभा बागात व सब्ज़ियात मुल्तान की जो पोस्ट है इसके अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट जो साउथ पंजाब के हैं वो आते हैं। तो हम 11 डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, और हम जो है ज़िम्मेदारों के लिए ख़ास तौर पे बागात और सब्जियात के लिए हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है मंथ वाइज, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर गांव-गांव मौजा मौजा जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और ज़िम्मेदारों को सब्जियों और बागात के हवाले से मशावरत फराहम करते हैं। जहाँ तक सब्जियात के पोटेंशियल की बात है, तो हमारा जो साउथ पंजाब है इसमें मौसम जो है चारों मौसम इसमें मौजूद हैं, और उसी मुनासबत से इसमें हर किस्म की सब्ज़ी उगाई जा सकती है। आपने आलू के बारे में सवाल किया, तो आलू जो है हमारे साउथ पंजाब में तकरीबन 40,000 एकड़ पे काश्त हो रहा है,
और जिसमें मुल्तान डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट खानीवाल है उसमें तकरीबन 19,000 एकड़ पे आलू की काश्त होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट खानीवाल में रिपोर्टेड है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है उसमें तकरीबन 6,000 एकड़ पे आलू की काश्त हो रही है। अच्छा जी, तो जहाँ तक दूसरी सब्ज़ियात का ताल्लुक़ है तो हमारा जो मुल्तान डिवीजन है और बहावलपुर डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन सब्ज़ियात की काश्त के हवाले से ज़्यादा आगे है, उसके बाद बहावलपुर डिवीजन है और फिर तीसरे नंबर पे हमारा डेजखान डिवीजन आता है। अच्छा अच्छा, अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं आलू के हवाले से, इसके साथ साथ जो दीगर सब्ज़ियाँ हैं, अगर हम गोभी की भी बात करें, पालक की बात करें, मेथी की बात करें, शलजम की बात करें और बैंगन की बात करें, मुख्तलिफ जो सब्ज़ियाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, मिर्च के हवाले से भी बड़ा ट्रेंड है, तो उनका पोटेंशियल किस किस इलाके में किस किस सब्ज़ी का है ये भी आप देख रहे हैं? मिर्च ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड है इसकी काश्त ज़्यादा हो रही है और चूँकि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है इसी हवाले से जो ज़मींदार का इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इसमें ज़्यादा है। मिर्च के लिए जो है आमतौर पे मेरा ज़मीन जिसमें पानी का निकास बेहतर हो वो ज़्यादा बेहतर होती है, लिहाजा हमारे साउथ पंजाब के अज़ला जिसमें जहाँ जहाँ ऐसी ज़मीनें मौजूद हैं वहाँ पे मिर्च हर जगह कामयाबी से काश्त हो सकती है। तो इसमें जो मिर्च है इसमें एक डिज़ीज़ ख़ास तौर पर आती है जिसे हम रूट राट कहते हैं या कलर राट कहते हैं। अच्छा, उस बीमारी से बचने के लिए ये है कि इस पौधे को जो है मिर्च के पौधे को पानी जो है वो टच ना हो, पानी डायरेक्ट इसके पौधे को तने को टच ना हो, सही, ताकि बीमारी जो है वो इसको ना लगे, जिसको हम कॉलर राट कहते हैं। अच्छा। जी, बाकी इसका जो पोटेंशियल है दीगर सब्ज़ियात का वो हर जगह मौजूद है और ज़िम्मेदार जो है आम रिवायती फसलात के साथ साथ अगर सब्ज़ियात के शोबे को इख्तियार करें तो सब्ज़ियात में ज़्यादा मुनाफा है, गो इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आम फसलात की नस्बत इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रॉफिट मार्जिन या ज़िम्मेदार की बचत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख लें कि आलू का रेट जो है वो इस वक्त मुनासिब है, इसी तरह आप अगर मौसम गर्मा जो हमारा अभी गुजरा है उसमें देखें तो कद्दू का रेट जो है वो 100 रुपये 120 रुपये तक कद्दू का रेट जो है वो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बाकी जो हम सर बड़ी क्रॉप्स को देख रहे हैं, कपास पिट गई, ठीक है, गंदम का कभी बनी कभी ना बनी, कभी रेट का इशू कभी बहरान, और इसी तरह मकई एक साल अच्छी हो गई तो दूसरे साल उसका इशू हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो सब्ज़ियाँ हैं वो बड़ी जो क्रॉप्स हैं यकीनन वो भी इस मुल्क की ज़रूरत हैं, उसके मुकाबले में काश्तकार को कहीं ज़रा सहारा दे रही होती हैं? बिल्कुल, काश्तकारी जो है वो सिर्फ एक फसल उगाने का नाम नहीं है, और वैसे भी काश्तकारी चूँकि एक बिज़नेस है, लिहाजा बिज़नेस वाले आदमी को जो कारोबारी आदमी को अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही फसल पे नहीं लगानी चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट या अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो काश्तकारी इस चीज़ का नाम है कि आप अगर रिवायती फसलात लगा रहे हैं और आपके वसाइल और आपकी जेब की तरफ जी आपको इजाज़त देती है तो आप सब्ज़ियात में भी मुकद्दर आजमाई करें और बागात की तरफ भी आएँ। अगर खुदा ना खास्ता आपकी रिवायती फसलात किसी वजह से फेल हो जाती हैं, उसमें आपको खसारा आता है या उसमें मुनाफा कम होता है, तो दूसरी फसल से आपको जो है वो मुनाफा हासिल हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जब हम काश्तकारों से बात करते हैं तो वो ज़्यादा साउथ पंजाब में मुतमईन नहीं दिखाई देते कि फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट भी है, तो एडवाइजरी की क्या सूरत हाल चल रही है, आगाही की क्या सूरत चल रही है, और कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके तहत आप काश्तकारों के पास पहुँच रहे हैं उनके मसाइल के हल के लिए? उसमें यह है कि अभी ये विंग जो हमारा है हॉर्टिकल्चर विंग या शोभा बागात व सब्ज़ियात, ये अभी डेवलपमेंट के मरहले में है, सही। इसमें सीटें बहुत कम हैं। अब आप देख लीजिए कि 11 डिस्ट्रिक्ट पे सिर्फ एक डिप्टी डायरेक्टर है, 11 डिस्ट्रिक्ट पे, हालांकि एक डिस्ट्रिक्ट पे एक डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये शोभा बागात व सब्ज़ियात में 11 डिस्ट्रिक्ट पे एक डिप्टी डायरेक्टर है, और फिर एक डिप्टी डायरेक्टर के अंडर दो असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, अच्छा, अब ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं इनको अलहदा अलहदा डिस्ट्रिक्ट तफवीज़ किए गए हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो खानीवाल को देखते हैं, दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, मुल्तान और मुजफ़्फ़रगढ़ को। इसी तरह एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जो सूरत हाल है वो भी ऐसे ही है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे पास है लेकिन तीन एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, और इसी तरह
एक जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो 16 विलेजेस में एक महीने में अपने तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद करेगा ज़िम्मेदारों के लिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ जहाँ पे सब्जियात और बाग़ात मौजूद हैं हम वहाँ पे पहुँचें, फार्मर ट्रेनिंग्स का इनेकाद करें और ज़िम्मेदारों को मशावरत फराहम करें। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम बहुत कम हैं तादाद में, तो हम इस कोशिश में तो हैं कि हम हर ज़िम्मेदार तक पहुँचें, लेकिन ऐसा हमारे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। अच्छा गौर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि हमारे काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ये बता दें कि अगर कोई हमारा काश्तकार आलू काश्त करना चाहता है, एक एकड़ पे, दो एकड़ पे, दस एकड़ पे, ज़मीन की तैयारी कैसे करे और कौन कौन सी खादों को कितनी कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें? आलू के लिए सबसे पहले तो ये है कि मैरा ज़मीन और रेतली मैरा ज़मीन चाहिए। इसके लिए भारी ज़मीन जो है वो मुनासिब नहीं है। अगर भारी ज़मीन में इसको लगाएंगे तो आलू का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, छोटे साइज़ का रह जाएगा, नंबर एक। नंबर दो यह है कि ज़मीन की तैयारी ऐसी हो कि ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। बल्कि आलू के किसी माहिर ने कहा था कि अगर मेरे बस में हो तो मैं आलू के लिए ज़मीन हवा में उड़ा कर तैयार करूँ। जी, ऐसी फ़ाइन ज़मीन तैयार होनी चाहिए, क्योंकि आलू का ट्यूबर होता है और नीचे उसने साइज़ बनाना होता है, लिहाजा बारीक और भुरभुरी जो है वो मिट्टी तैयार होनी चाहिए। दूसरा, अच्छी पैदावार के लिए मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आलू चूँकि एक रूट क्रॉप है और ये ट्यूबर जो है इसका ज़मीन में बनता है, उसके लिए क्या क्या है? जी, उसके लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश। अगर आप एक एकड़ से औसतन 10 टन पैदावार लेना चाहते हैं, 10 से 12 टन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 बोरी DAP, 2 बोरी पोटाश और 3 से 4 बोरी यूरिया जो है वो चाहिए होगी। इसके साथ साथ अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर पैदावार ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसी तरह अगर आप आलू के ऊपर जो आने वाली बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ हिफाजती स्प्रे कर लेते हैं, ख़ास तौर पे अर्ली ब्लाइट है आलू की, लेट ब्लाइट है जिसको हम अगेता झुलसाओ और पछेता झुलसाओ कहते हैं, अगर आप उससे बचने के लिए हिफाजती स्प्रे करते रहते हैं तो फिर आपकी पैदावार बेहतर होगी। इसी तरह सर्दियों में आलू को जो है सबसे ज़्यादा ख़तरा कोहरे से होता है, और आपने देखा इस सीज़न में जो है कोहरा काफ़ी पड़ा है। अगर कोहरे से तहफ़ुज़ कर लिया जाए और कोहरे के दिनों में आलू को आप पाशी कर दी जाए तो फिर आलू का साइज़ भी बेहतर होगा और पैदावार भी बेहतर होगी। आखिर में ये बता दीजिए कि किचन गार्डनिंग को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, घरेलू जो सब्जियात हैं उसको भी आपका महकमा को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम क्या मैसेज देंगे लोगों को कि बड़े पैमाने पर तो काश्त हो रही है तो घरों के अंदर भी अपनी ज़रूरत के लिए काश्त करें? और कोई रहनुमाई? किचन गार्डनिंग एक ऐसा शोबा है जो मेरे देखने में हर शहरी को, गाँव के रहने वाले हर फर्द को ये किचन गार्डनिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सब्जियात का एकदम रेट्स का फ्लेयर अप हो जाना, रेट्स का बढ़ जाना, ये इसी वजह से है कि हमारे यहाँ सब्जियात कम रकबे पर काश्त हो रही हैं। लिहाजा जब तक हम घरेलू सतह पर खुद कफील नहीं होंगे तो सब्जियात के रेट इसी तरह हाई होते रहेंगे। दूसरा, इसका ज़्यादा फ़ायदा यह है कि हम घरेलू सतह पर स्प्रे से मुबर्रा, गंदे पानी से मुबर्रा सब्ज़ी जो है अपने घर में खुद काश्त कर सकते हैं और सेहतमंद सब्ज़ियाँ उगाकर सेहतमंद सब्ज़ियाँ अपने किचन के लिए पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है महकमा ज़रात का जो प्रोजेक्ट चल रहा है किचन गार्डनिंग का, जिसके लिए हम ज़िम्मेदारों को हर साल मौसम गर्मा और मौसम सरमा की सब्ज़ियों के जो पैकेट हैं वो मुहैया करते हैं अर्ज़ा नरखों पर। पहले ये 50 रुपये का सब्सिडाइज था, अब इसकी कीमत जो है गालिबा 80 रुपये या 100 रुपये हो गई है इसकी, जिसमें तकरीबन 8 से 10 सब्जियों के बीज होते हैं और वो तकरीबन 5 मरले के लिए काश्त हो सकता है। तो इसका जो रिस्पांस है वो काफ़ी आया है। हमने देखा है कि जो शहरों के लोग हैं उन्होंने क्रेट्स में टायरों के दरमियान मिट्टी डालकर, ठीक है, और इसी तरह दीगर ट्रेज़ के अंदर मिट्टी डालकर जो है वो सब्ज़ियाँ काश्त की हैं। धनिया काश्त किया जा सकता है, पालक काश्त किया जा सकता है, आप बैंगन लगा सकते हैं, इसी तरह आप फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी है वो आप गमलों में काश्त कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो घरेलू सतह पर इसको अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जमील अहमद गौरी साहब, और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि तमाम आस्पेक्ट इसके हम आपके सामने रखें। आलू के लिए ज़मीन कैसे तैयार होती है, बीज कहाँ से लें, कौन सा लें, कितनी खादें इस्तेमाल करें और फिर कब काश्त करें, वक्त काश्त, और इनकी बीमारियों से बचाव कैसे करें, पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करें, महकमा फ्रूट एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इसके लिए क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर आज हमने बात की। क्योंकि ये वो सब्जियां और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी
लोकल आबादी जो है, ख़वातीन जो हैं, उनको भी बड़े पैमाने पर रोज़गार घर के अंदर ही, मतलब मकामी सतह पर ही मुहैया कर रहे होते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने जो